एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो मैं अपनी किचन में खड़ी हूँ और चाय पी रही हूँ, आप लोग भी पी लो। सो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं अपने किचन से, अपने घर से कर रही हूँ और अभी मैं निकलने लगी हूँ काम के लिए, बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा टाइम ऐसे ही ना चाय पीने में लगा दूँगी। सिर्फ उस पर 5 मिनट है, मुझे जल्दी से अपने शूज़ पहन के निकलना भी है। फिलहाल मैं अपनी ट्रक में बैठी हूँ, बट पहले मैंने यहाँ पर आके थोड़ा सा वर्क किया, लाइक कहीं और से ट्रेलर उठा के कहीं और पे, मतलब डोर पे बैकअप किया। सो थोड़ी सी शैंटिंग करी मैंने और अभी बस बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कॉल का कि डिस्पैचर कॉल करेगा, फिर बताएगा काम क्या है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि काम लोकल का है या फिर मॉन्ट्रियल से बाहर जाना है या फिर हो सकता है ब्रूमोट जाना हो। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो जब कॉल आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या काम है। ट्रेलर बुक कर लिया है और अभी मैं जाके पहले लोड देखने लगी हूँ कि कितना है इसमें, बिकॉज जो लोकेशंस मुझे दिए हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, 1% आइडिया नहीं है कि वो लोकेशंस कहाँ की है, कहाँ जाना है, बिकॉज मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। सो अभी जाके पहले उसकी डोर बंद करती हूँ ट्रेलर की और लोड देखती हूँ कितना है। ठीक ठाक सही है लोड, और ये तो आगे वॉशिंग मशीन रखी है, आई थिंक सो यस। मैं एक्चुअली ना नंबर याद करके आई थी पीछे से, जब ट्रेलर के गेट बंद कर रही थी तो मैंने नंबर को ना मतलब याद कर लिया था मैं उनका, सो दैट इजीली जल्दी से इसमें लॉग बुक पे लिख सकूं। सो अभी लॉग बुक भरती हूँ और फिर यहाँ से निकलती हूँ। अभी ना मैं निकल चुकी हूँ अपने फर्स्ट डिलीवरी के लिए, बट जो पहली डिलीवरी है वो क्रिकलैंड है, एक जगह है क्रिकलैंड वहाँ पर है, जो यहाँ से 11 किलोमीटर आई थिंक फार अवे है। सो वहाँ के लिए अभी जा रही हूँ, वो मेरी पहली डिलीवरी है और मैं एक्चुअली वीडियो गोप्रो से बनाना चाह रही थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि गोप्रो में बैटरी उतनी थी नहीं, पता नहीं क्यों मैं भूल गई उसको चार्ज करना। सो अभी मैं उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है और मैंने कहा चलो फ़ोन से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो अभी निकल रहे हैं क्रिकलैंड के लिए, उसके बाद आगे दूसरी लोकेशन है, फिर आगे तीसरी एंड चौथी, चार डिलीवरीज हैं ऐसे करके। ये है पहली कंपनी जहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर मेरे को डिलीवरी करनी है, बाहर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था, सो कैसे तैसे करके मैं अभी आ गई अंदर। अभी मैं यहाँ पर जो ये रिसेप्शन एरिया है जो ये बन रहा है, यहाँ से जाती हूँ ऑफिस में पूछ के कि कहाँ पे बैकअप करना है, एंड फिर देखते हैं, मे बी इनके निकलने का वेट करना होगा ये जो ड्राइवर हैं, या फिर हो सकता है वो लास्ट पीछे कोई एक डोर हो वहाँ पे लगाना हो। सो ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी, बिकॉज जब वो ट्रक ड्राइवर लगा था उसके बाद मैंने तुरंत ही लगा दी, बिकॉज वो लोग वहाँ खड़े थे। सो ये डिलीवरी कम्प्लीट हो गई है, अब दूसरी लोकेशन पर जाने लगी हूँ, एंड दूसरी लोकेशन की अपॉइंटमेंट अराउंड 11 बजे थी। आई डोंट नो व्हाई मुझे डिस्पैचर ने पहले ये वाली करने को कहा उसके बाद वो वाली, बिकॉज 11 तो ऑलरेडी बज चुके हैं कब के। सो लेट्स सी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एरिया चेक करके आती हूँ, मुझे लगता है इनका यही है जो जहाँ पर बैकअप कर सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा तो इनका कोई भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, जस्ट यही है। अब लेकिन इसका रिसेप्शन, इनका गेट कहाँ से होगा, आई थिंक इधर से होगा,
अभी फिलहाल ट्रक को तो उधर साइड खड़ करके आ गई। ये रहे पेपर मेरे हाथ में जो बिल्स है। अच्छा ये लॉक तो खुला ही हुआ है। हेलो आई हैव डिलीवरी। डिलीवरी व्हाट टाइम? 11 सैमसंग। आई हैव नो आइडिया। या बट या सैमसंग प्रोडक्ट्स। या जस्ट बैक अप एट द 3 राइट। या ओके मतलब वो लेडी सिर्फ बैठी हुई थी। इवन उसने गेट भी नहीं ओपन किया। मतलब गेट तो चलो ओपन था बट वो बैठी थी कि खुद ही कोई अंदर आएगा। मतलब उनका ऐसे ही था, उनका ऐसे था कि खुद ही आएगी अंदर या खुद ही कोई ड्राइवर अंदर आ जाएगा। सही है, बैकअप करती हूँ यहाँ पर। ये मैं आई हूँ अपनी तीसरी कंपनी में डिलीवरी के लिए। सो यहाँ की एंट्रेंस थोड़ी सी ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे एंट्रेंस का ऐसा कुछ खास पता नहीं था। सो मैं पहले पूरा अंदर चल के आई कंपनी में और मैंने उनसे पूछा एंड अब मैं जाने लगी हूँ एग्जैक्ट जहाँ से इनकी एंट्रेंस है उस लोकेशन पर। ट्रक यहाँ खड़ा करके मैं पैदल गई थी अंदर तक वॉक करते हुए एंड ये कंपनी है और इसका एंट्रेंस कह रहे हैं ये जो जहाँ पे रिसेप्शन लिख रहा है वहाँ पर है। बिल्कुल साइड में ट्रक खड़ा किया। ये रोड बहुत चलता हुआ है सो मुझे देखकर सबके अंदर बैठना होगा। अब इस कंपनी में जाने लगी हूँ रिसेप्शन लिखा है वहां तक जाना है बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ऐसे सो इनका वेट करना पड़ेगा। ये रुक
गेट ओपन करने को खड़े हैं। यहाँ पे डॉग बहुत नीचे है इसलिए मुझे इसको ट्रेलर को डाउन करना पड़ा। उसके लिए सस्पेंशन डाउन करके मैंने ट्रेलर का ये जो है इसको प्रेस कर दिया और आई थिंक अब ओके होगा। सो मैं अंदर जाने लगी हूँ एंड देखते हैं फिर। ये मेरी लास्ट डिलीवरी है। लेट्स सी उसके बाद क्या रहता है। ओके ये तो गलत हो गया ना, अभी जैसे मैंने बंद किया ये ऊपर आ गया। ओहो अभी जैसे मैंने ट्रक बंद किया ये धीरे धीरे ट्रेलर ऊपर आ रहा है। इसको खुलता ही छोड़ के जाना पड़ेगा तभी जाके वो कर सकेंगे। डाउन होता जा रहा है, ट्रेलर स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है।
से मेरे को अराउंड 5 बिस्किट्स लेनी है, मतलब मैं इतना श्योर नहीं हूँ बट मुझे जितना पता है 5 बिस्किट यहाँ से मुझे पिकअप करनी है। ज़्यादा ही जल्दी मैंने टर्न कर दिया, बड़ी जगह है यहाँ पर तो बहुत आसानी से कोई भी बैकअप कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा खुली जगह है, बहुत ज़्यादा। बस मैं ठीक ठाक से जा रही हूँ इधर, मुझे लगता है मैंने थोड़ा इधर मुझे ज़्यादा होना चाहिए था, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुली जगह में इतनी ज़्यादा अच्छे से लग नहीं पाती है। सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ अभी हुआ है, जब इतनी ज़्यादा जगह है तो मैं ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं एक्चुअली येलो लाइन को फॉलो करते हुए ही बैकअप करती हूँ मोस्टली, कि बिल्कुल ही परफेक्ट लगे, जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उठाने जा रही हूँ जो स्टैंड पे लगाया था। अभी मैं अपने अपार्टमेंट में आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, सो अभी सोने वाली हूँ। एंड इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करते हैं, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ। जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।